श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का ऑडियो प्रवचन। कीर्तन आत्मा ही जान सकती, जानने में सक्षम। कीर्तन आत्मा से अतिरिक्त और परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। तो हम लोग जो बोलते हैं, हम मुंह से बोलते हैं, मुंह को क्या पता है, तो कर्म इंद्रिय। जितने सत्शास्त्र हैं, वेद उपनिषद, संतों की वाणियां, सब में परमात्मा को बताया गया है। तमाम वचन मन वचन कर्म से वे अगोचर है। वेद कहता है अवाम मनस गोचर, वचन में वो आने वाला नहीं है। गोचर सारंद्रा को गो कहते हैं, गाय को अचरण कहते हैं, जहां पर वो चलती है। गोचर भूमि को कहते हैं, जहां गाय चलती है। उसी तरह जहां तक गो का अर्थ है इंद्रिय, इंद्रियां जहां तक विचरण करती हैं, सब गोचर। गो गोचर जह लगी मन जाई, असोसल माया जाना भाई। हम जो कुछ जानते हैं इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, और पर परमात्मा इंद्रियातीत है। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं, कान से सब सुनते हैं। इन पंच ज्ञान इंद्रियों से हम पंच विषयों का ज्ञान करते हैं। इन पंच विषयों के परे क्या है, इनके विषय तत्व, उसका ज्ञान इंद्रियों का नहीं है। इंद्रिया बेचारी क्या कहेगी। हम लोग जो कुछ कहेंगे, हम उसे बोलेंगे, आप लोग कान से सुनेंगे, तो इंद्रिया क्या ज्ञान कर सकेगी इसको। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, वस्तीन शून्यम, शून्यम में वस्ती, अगम अगोचर, ऐसा गगन शिखर में बालक बोले हुआ का नाम घर होंगे कैसा। उसको हम वस्ती कहें कि शून्य कहें, न वो वस्ती है न शून्य, अर्थात न वो भरा हुआ है न खाली है, कहें किसको। क्या कहें उसको, अवस्थी शून्य की भी परिभाषा भिन्न भिन्न होती है। जहां लोग बसते हैं उसको कहते हैं बस्ती, जहां श्मशान है उसको शून्य कहते हैं, कोई नहीं है वहां, खाली स्थान है। एक साधु रावण अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, एक यात्री आता है और पूछता है कि बाबा यहां से बस्ती कितनी दूर है। साधु रावण कहा कि जंगल की सीमा पार करोगे, उसके बाद तुमको बस्ती मिल जाएगी। यात्री चलता है, जाते जाते जब जंगल पार कर जाता है तो देखता है घर कुछ भी नहीं है, शून्य है पड़ा हुआ, खाली ही खाली है। वो लौट आता है और पूछता है, साधु आपने कहा कि जंगल पार करने के बाद बस्ती मिलेगी, वहां तो श्मशान घाट है, कहां कुछ गए। अरे बच्चा तू समझता नहीं है, बस्ती किसको कहते हैं, जहां जाकर कोई बसता है उसको कहते हैं बस्ती। तो वहां जाकर तो जो कोई बसता है उसको कोई उजाड़ नहीं सकता, और तुम जिसको बस्ती कहते हो वहां से लोग मर मर करके वही जाते बसने के लिए।
तो बस्ती में वहां रहे तो क्या होगा? लेकिन उस परमात्मा के लिए क्या कहा जाए? कहते वह अगम है, बुद्धि से परे है। हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, जो कुछ सब अपने अपने अद्भुत ज्ञान के आधार पर ही कोई कुछ कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा इंद्रियातीत है, उसके लिए क्या कह सकते हैं? जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज परमात्मा के लिए कहते हैं अगोचर है, वेद कहता है अगोचर है, संत कबीर साहब भी कहते हैं कि नैना वैन अगोचरी श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारण कहिए सृजनहार। वह नैन वैन से अगोचर, यो घूमने के स्वाद को, कोई गूंगा है उसको कोई आप मिठाई खिला दीजिए और उससे पूछिए कि तुमको कैसा स्वाद लगा, तो गूंगा बेचारा क्या जानेगा? खाने में तो उसको स्वाद लगा सो जानता है, लेकिन आपको समझाने के लिए वह नहीं जानता है, आपको वह समझा नहीं सकेगा कैसा लगा उसको। उसी तरह परमात्मा के संबंध में समझाना दूंगा। इसीलिए संत तुकाराम जी महाराज ने कहा था, गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान।